तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवधर अग्रवाल और हमेशा की तरह आपको, जैसे कि मैं बताता हूं कि नए नए टूल्स के बारे में, सो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सो देखिए, आज हमारे पास में है सुपर कैम 2। ये वर्जन 2 है। बहुत जल्दी एक आईफोन पे काम हम लोग चालू करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, और उसमें हम बेस्ट इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये चीजें बुलवा के, ताकि ये बता सके कि इससे भी कैसा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसी पर डिपेंड है, ये भी नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि थर्मल कैमरा नहीं है तो ऐसे लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को 50,000 रुपये का 60,000 रुपये का थर्मल कैमरा खरीद नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लियरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि आप ऑनलाइन इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो बहुत से लोग इस पर कमेंट करते हैं। सो आई होप कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे, कि ये वीडियो सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसको नेगेटिव लेना है। सिर्फ वीडियो मेरे स्टूडेंट के लिए है कि इस, अगर ये बॉक्स आप परचेस करते हैं फ्यूचर, या आप आईफोन पे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह का सेटअप इसका होगा, तो ये वीडियो आपको मिलेगी। सो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर आप जैसे कि ये कैमरा देख रहे होंगे, ये वर्जन 1 है। थोड़ा सा ये वर्जन 1 है जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और दोस्तों इस वर्जन 2 में क्या क्या फायदे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहली चीज तो इन्होंने यहाँ पर साफ बता दिया कि डिटेक्टेड शॉर्ट सर्किट एंड लीकेज इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर ये लीकेज निकाल देगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मन कर रहा है खरीदने का, अगर आप आईफोन का काम कर रहे हैं, तो आप नीचे ZX वाले को कॉल कर सकते हैं, आप हमारा नाम लीजिए, हमारा व्हाट्सएप उनको कीजिए, हमारा सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जो फोटो है वो ZX मलिक को भेजिए और वो आपको इसका बहुत अच्छा रेट देंगे। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इंडिया में इससे अच्छा रेट वो आपको और कोई नहीं दे सकता, जेन्युइन प्रोडक्ट है और OG एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमरा जो काइनली कंपनी का है, और बहुत सारी चीजें इसमें है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं इसको फर्स्ट टाइम, ये पूरा पैक है आप जैसे कि देख रहे हैं। सो ये मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको अनबॉक्स कर रहा हूं। सो थोड़ा यहां आ जाइए। तो दोस्तों इसको कहां से अनबॉक्स करें, चलिए ओके। तो पहला हम इसका ऊपर का जो कवर है वो निकाल लेते हैं। इसका क्या प्राइस है, कैसा क्या है, अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे या कमेंट में बिल्कुल मत पूछिए। आपको यहाँ पे ZX मलिक का नंबर शो हो रहा होगा, आपको वहीं पूछना है और उनको व्हाट्सअप करना है सारी चीजें। तो यहाँ पर अब इसको खोलने का, तो ये दोस्तों ये इस तरह का कोई बॉक्स है जैसे मोबाइल के बॉक्स होते हैं, ये देखिए। तो वाकई में हम इसको देखना चाहते हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो तकरीबन रात के काफी टाइम हो रहा है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया। सो यहाँ पर ये मैंने निकाल दिया है, और इसके बाद एक यहाँ पे मैनुअल आपको एक गाइड मिल रहा है यहाँ पर सुपर कैम में, जिसमें प्रोडक्ट दिया है और इंस्टॉलेशन कनेक्शन कैसे करना है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सब बताया गया, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फंक्शन सारे बताया है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स इसमें बताई गई, तो सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है तो वो इंस्टॉलेशन करने का तरीका भी इन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इसमें, देखिए पिछली बार ये क्या था, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर इसका सपोर्ट कुछ नहीं था, तो बेसिकली ये सिर्फ यहाँ पर रखे थे और ऐसा कुछ स्क्रू यहाँ पर तो समझ में नहीं आया, बट यहाँ पर एल की दी है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी स्क्रू दिए होंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। तो एक मैनुअल बुक है, उसके साथ भी एक और मैनुअल बुक और एक वारंटी कार्ड होगा मेरे ख्याल से रिपेयरिंग का, पूरी चाइनीज लैंग्वेज में दोस्तों, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप थोड़ा यहाँ देख रहे होंगे, तो आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए, पॉज करो, कर लिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारे पास एक जो नॉर्मल हमें जो केबल मिलती है, जैसे हम इसको CPU होते हैं उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं हमारे जो, बट भी बेसिकली मैं इसमें सोच रहा था कि लो वैसे। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे होंगे इसमें आपको इस तरह का सामान देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये एल की आपको यहाँ पे मिल रही है, इसके साथ कुछ स्क्रू मिल रहे हैं जो कि नीचे से सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा देंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है केबल जो नॉर्मल केबल है, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके साथ USB केबल आ जाती, क्योंकि लैपटॉप में आजकल के में नई तरह के USB केबल इस तरह के नहीं आते, तो हमें इसको अपने CPU और जो हमारे कंप्यूटर्स है मॉनिटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, उन्हीं पे हमें इसको यूज करना।
सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, ये इसका इस तरह का होगा जिसमें ये फिट होता होगा। तो चलिए इसको एक एक करके निकाल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसको हम लगाएंगे इस तरह से। ये इसका ये होगा, आप देख रहे हैं ये ओल्ड तो यहाँ रखा हुआ है, एक नया भी मैं इसको रख देता हूँ। ये इसका मेन कैमरा होगा दोस्तों, तो ये कैमरा है जैसे कि आप देख रहे हैं, काइंडली यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी बेहतर एक क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 12 वोल्ट डीसी पे ये चलता है, मतलब इसको जो हमें इनपुट वोल्टेज देना है वो 12 वोल्ट डीसी है, मतलब डायरेक्ट डीसी करंट नहीं देना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, ये ख़राब हो जाएगा, इसको आपको एक अडैप्टर लगाना पड़ेगा। नॉर्मल आप कोई सा भी अडैप्टर लगा सकते हैं, जैसे आप ये कैमरा चलाते हैं, कोई सा भी आप नॉर्मली 12 वोल्ट का अडैप्टर जो आते हैं, जो एसी टू डीसी का कन्वर्ट करते हैं 12 वोल्ट आपको देते हैं, हालांकि इसके साथ भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें पोर्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो मेन 45 और एक आपको नॉर्मल 12 वोल्ट का एक इनपुट वोल्ट, सो इनपुट कनेक्टर आपको मिल रहा है। सो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। एक यहाँ पर देखिए ये आपका 12 वोल्ट का अडैप्टर आपको देखने को मिल रहा है, पर एक चीज़ यहाँ पे लगती है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको जो यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं वो चाइनीज ही आते हैं, बेसिकली इंडियन कनेक्टर नहीं है। सो रीज़न ऑफ दैट कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो हमारे बोर्ड बनते हैं वो हमारे इंडिया कनेक्टर के हिसाब से बनते हैं, इस हिसाब से कनेक्टर से नहीं बनते। अगर मैं इसको लगाऊंगा भी तो लगेंगे नहीं। सो जनरली जो मेरे टेक्नीशियन भाई हैं, अगर वो दुकान पे अपने बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें चाइनीज कनेक्टर लगाने का भी कनेक्टर लगाइए, या फिर उनको फिर अलग से इस तरह का उनको एक्सटेंशन बोर्ड परचेस करना पड़ सकता है। आई होप कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। अब इसके नीचे आपको इसके मिलेगी, इसको प्लेट मिलेगी, इसको स्टैंड जिसको हम बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पहले से बहुत बेहतर क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। तो दोस्तों देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर, पिछली बार आपने देखा होगा इसी का मैंने वीडियो डाला था, ऐसा बॉक्सिंग नहीं आई थी, डायरेक्ट उन्होंने सीधे में पैक करके दिया हुआ था, और ये सीधे चाइना आया था, तो ये सीधे चाइना से आया था। आप देख रहे होंगे कि पहले और आपके पे कितना अंतर है, पहले यहाँ पर आप थोड़ा साइड में आइए, थोड़ा पास में आइए, पहले का देखिए बोर्ड कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और अभी का बोर्ड देखिए कितना छोटा है, एक मैट भी बीच में दे दिया है यहाँ पर आपको कुछ कॉम्पोनेंट रखने के लिए, कुछ भी इनको रखने के लिए सामान आपको दे दिया है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर कैम, तो सबसे पहले ये यहाँ लगेगा, फिर उसके बाद ये जो प्लेट आपको ये जो दिख रहा है ये इस तरह के नीचे यहाँ लगेगा, और उसके नीचे यहाँ पर लगेंगे इसके एलन की, और ये इसको लगेंगे। तो चलिए पहले इसको लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने इसको यहाँ पे फिट कर लिया है, बहुत ही इजी था, मैं आपको बता देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, दो स्क्रू यहाँ आए थे, दो स्क्रू को यहाँ लगाने के बाद मैंने एल की को इसके साथ लॉक कर दिया और ये फिट हो चुका है। किसी भी स्क्रू को तब तक टाइट कीजिए जब वो हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश में स्क्रू खराब होते हैं, प्लेट खराब होती है, ऑलवेज रिमेंबर ये थोड़ा डीप नॉलेज है, कोई बता नहीं। तो चलिए थोड़ा पास में। सो अब ये कैमरा हम यहाँ पर फिट करेंगे, काफ़ी अच्छा है, नीचे भी सपोर्ट है, ऊपर भी सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला है। और अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, और जो हमारा दूसरा स्क्रू था वो हमारा यहाँ जाएगा और वो इधर लगेगा। तो देखिए ये हमारा कैमरा चालू हो गया। अब बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बेस्ट है। तो सच बताऊं ये बहुत जगह खा रहा है, इसने कॉम्पैक्ट कर दिया और चीज़ों को बहुत अच्छा किया है। आप देखेंगे कि ये जितना काम कर रहा था उससे दुगना ये अच्छा काम करेगा और कम जगह खाएगा। तो चलिए अब इसमें हम इसको अभी चालू करके भी दिखा देते हैं आपको, पर अभी केबल लगा के और इसका सेटअप का अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे इसका लिंक में सेटअप ले लेना, जिसको भी सेटअप चाहिए। सो इधर इसका अडेप्टर लगाते हैं। तो दोस्तों अडेप्टर तो किसी का भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, खैर इसको भी मैं चालू कर देता, उसका अडेप्टर ये रखा हुआ है, चाइनीज अडेप्टर है, इसलिए दिक्कत जाती है। तो चीज़ें भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं, पहले वाले के साथ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आई थी जितनी इस बार आई हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमने लगाया, मैं इसको चालू करके और इसके पूरे फंक्शन अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं, हालांकि पूरी स्टूडेंट के लिए है। और दोस्तों सर बताएं कि थर्मल कैमरे की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पर अगर बेस्ट काम करना है, अच्छा तरीके से करना है और आपका बजट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दिक्कत है, क्या होता है लोग फिर बोलेंगे कि थर्मल कैमरा भाई 1 इंच ये तो थर्मल कैमरे पे काम करते हैं और किसी पे काम करते नहीं। आप देखें यहाँ पर यहाँ लाइट चल गई है, इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है। अब सिर्फ इसको इसके कंप्यूटर के साथ लगाना है और उसका सेटअप हमें चलाना है जो कि बहुत नॉर्मल और यूजुअल है। तो दिख रहा है ये लोग आपको दिख रही होगी यहाँ पे आवाज़। तो दोस्तों
तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये जो थर्मल कैमरा है, ये या तो आपको इसमें दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा है, वो ज़्यादा फर्क देगी पैसों का। और मुझे पूरा यकीन है कि अब इसको कोई परचेस नहीं करेगा, अब इसी का ही मार्केट है। कंपनी ने भी बनाना बंद कर दिया है, कंपनी अब सिर्फ इसको बनाएगी, क्योंकि ये एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सिर्फ इसका अपडेट वर्जन 2 है। सो अच्छा लगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव या किसी प्रकार की अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे नए वीडियो को जरूर देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, ज्ञान असीमित है पर ये आप पर है कि आप उसको कितना लेना चाहते हैं।